क्या लिखा मनुस्मृति में कि यदि शूद्र जाति के लोग कहीं अगर किसी धर्म ग्रंथों को अगर पढ़ते हुए मिल जाए तो उनकी जीभा काट लो। मैं नहीं बोल रही हूँ, मेरे बाप ने नहीं लिखी ये मेरे बाप ने नहीं लिखी। शूद्र जाति के लोग अगर कहीं धर्म शास्त्रों को पढ़ते हुए मिल जाए तो उनकी जीवा काट लो, अगर सुनते हुए मिल जाए तो कान में गरम सीसा करके डाल दो, अगर ब्राह्मण को निगाह भर करके देख ले, ठाकुरों को देख ले तो उनकी आंखों में सरिये डाल दो, और अगर ठाकुर पंडित बनिया के बगल से बैठे हुए मिल जाए तो उनके पीछे का हिस्सा काट लो। उन्होंने अपने इस धर्म शास्त्र में लिखा कि अगर किसी समाज को गुलाम बनाना है तो शूद्र जाति के घरों में रहने वाली महिलाओं को धार्मिक गुलामी में थोप दो, 7 पीढ़ियां हमारी गुलामी करेंगी। आज हमारी महिलाएं करवा चौथ और हरतालिका और ना जाने कौन कौन से व्रत रहती हैं, हमारे कॉलोनी में भी रहती हैं, भोपाल में कहते हैं हरतालिका हम रहते हैं, 3 दिन व्रत रहती हैं, मनपसंद पति मिलता है, कुंवारी लड़की रहती है तो मानती हूँ कि हाँ भैया ठीक है, लेकिन शादीशुदा भी रहती हैं तो मैं कहती हूँ क्या जो घर में है वो पसंद नहीं है अभी, जो दूसरा चाहिए